हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पंकज फिर से लाया हूँ एक नया वीडियो। एक्वाफ्लो पीसीबी देख सकते हैं आप, इस पे ये हमें भेजा है जय भगवान सर्विस हरियाणा, वहाँ से आया है। ये डेड था ये पीसीबी, और डेड सॉल्व करने के बाद ये बीप दे रहा था, मतलब आप देखेंगे यूवी ऑन ग्लो हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, ऐसा फॉल्ट हो रहा था। एक तो पावर ख़राब था इसका, और यूवी जल रहा है फिर बंद हो जा रहा है, बीप दे रहा है, मतलब यूवी सेक्शन ओके है लेकिन कुछ प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, ये फॉल्ट हो रहा था। ये जो पीसीबी है एक्वाफ्लो का आप देख रहे हैं, ये वाला पावर दिया हुआ है, देखिए मैंने आईसी चेंज किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सोल्डिंग कॉपलर भी चेंज किया हुआ है, देखिए ये वाला कॉपलर, ठीक है। तो हमने बेसिकली इनका ये आईसी चेंज किया, ये जो देखिए ये वाला आईसी चेंज हुआ, ये ऑप्टो कॉपलर चेंज हुआ, तो पीसीबी रेडी हो गया, पावर आ गया, लेकिन बीप दे रहा था, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फॉल्ट हमको मिला, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो ट्रांसफार्मर है ये वन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये वाला यूवी फीडबैक ट्रांसफार्मर है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ पीछे से, देखिए एक यहाँ से कमांड आया, ये वाला, हाँ ये वाला देखिए, ये वाला एक यूवी कनेक्टर से कमांड आया यहाँ पे, और एक ट्रांसफार्मर से कमांड आया, देखिए ये ट्रांसफार्मर से कमांड है, ये कनेक्टर से कमांड है, यूवी कनेक्टर, देखिए चार पिन है ये, यहाँ से एक कमांड आया, एक ट्रांसफार्मर से कमांड आया, ठीक है, यहाँ से स्टेप डाउन होके ये आउटपुट आया एसी, और देखिए एक दो तीन ये जो डायोड है, ठीक है, यहाँ से और एक डायोड है, ये जो तीन कनेक्शन है यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर बनता है, ठीक है। देखिए हमें क्या मिला, ये जो ट्रांसफार्मर है ना इसका भी वाइंडिंग होती है, यहाँ से एक यहाँ, यहाँ से एक यहाँ, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी इस ये नहीं आ रही थी, बजर नहीं आ रही थी यहाँ पे, तो हमने चेक किया तो टूटी हुई थी, हमने उसे जोड़ दिया तो रेडी हो गया। मतलब इसका काम क्या है, ये जो ट्रांसफार्मर है इसका काम है कि अगर यूवी ग्लो कर रहा है तो यहाँ से सप्लाई जनरेट होके यहाँ से ये देखिए आईसी को, ये आईसी पे गई हुई है प्रोसेसर पे, यहाँ पे इसको कमांड देगी कि यूवी जल रहा है, इस ट्रांसफार्मर का काम है, ठीक है। तो हमने जब इसे चेक किया तो ये कंटिन्यूटी आउटपुट में नहीं दे रही थी, इसकी वाइंडिंग की तार टूट गई थी, तो हमने इसको जोड़ दिया तो ये रेडी हो गई, ठीक है। ये आपका एक नया फॉल्ट हमको आज मिला, बीप, यूवी जल के ग्लो हो रहा है यूवी, उसके बाद ऑफ होके बीप दे रहा है, इसका फॉल्ट ये ट्रांसफार्मर हमको मिला, एक नया फॉल्ट है। और बाकी पावर का तो मैंने वीडियो बहुत सारा डाला हुआ है, और ये तो आपका फॉल्ट आप देख सकते हैं, मैंने इसको रेडी भी कर दिया है, देखिए ग्रीन लाइट आ रही है, लोड किया हुआ है ऑलरेडी, फ्लो बटन दबाया एसबी ऑन हो गया, ठीक है। ये वाला एक्चुअली पीसीबी है, मैं आपको उस पीसीबी में डेमो दे रहा था, ये पीसीबी है सर का, देखिए यहाँ पे काम भी हुआ है, मैंने सोल्डर किया हुआ है, देखिए बहुत सारा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने टेक्निकल फ्रेंड्स को भी, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनको भी फॉरवर्ड करें, और आप लोग भी मुझे पीसीबी भेज सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं आपको बना के पीसीबी भेज सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।